गैंगरेप के आरोपियों के परिवार ने पीड़ित किशोरी के घर में लगाई आग। गैंगरेप पीड़िता के परिवार पुलिस की दुत्कार से परेशान, दर दर की खा रहे ठोकरें। मामला थाना खुर्जा देहात क्षेत्र के गांव भोरावास का है, जहां 22 जनवरी 2020 को 14 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ गैंगरेप किया गया। पुलिस मामला दर्ज तो करती है पर आरोपियों को नहीं पकड़ती। मजबूरन आरोपियों ने अपने आप को पुलिस को सरेंडर कर दिया और पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया। उसके कुछ समय पश्चात आरोपी के परिवारजनों ने पीड़ित किशोरी के घर में आग लगा दी। पीड़ित किशोरी के माता पिता थाना खोजा देहात जाते हैं तो इंस्पेक्टर साहब एप्लीकेशन फाड़कर परिवारजनों को धक्का मारकर थाने से बाहर कर देते हैं और कहते हैं कि गैंगरेप भी फर्जी है और खुद ही अपने घर में आग लगा ली है। आखिर कब पुलिस का रवैया सुधरेगा और लोगों को न्याय मिलेगा? बुलंदशहर से ओमेंद्र सिंह तेवतिया की रिपोर्ट। कहाँ की रहने वाली हो? बहरावास। थाना कौन सा लगता है? खुर्जा देहात। क्या हुआ आपके बेटी के साथ में? क्या हुआ? मेरी बेटी के साथ बलात्कार हुआ। किसने किया है सब? ये ठाकुर के दो लड़के हैं, अभिषेक और दूसरे सनो सुभाष और अभिषेक सनो फरपाल। दोनों का नाम अभिषेक जी? दोनों का नाम अभिषेक है। तो क्या पुलिस ने क्या कार्रवाई की इसमें? कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस ने। आरोपी कहाँ फरार है? पुलिस ने पकड़ लिया? पुलिस ने पकड़े नहीं थे, वो क्या कह रहे हैं, सरेंडर किया था उन्होंने अपने आप। अपने आप सरेंडर किया जी। उसके बाद में अब क्या हुआ? अब मेरे घर में आग लगा दी उन्होंने। किसने आग लगाई? उन्होंने, आरोपियों के माँ बापों ने। आप घर में आग लगा दी जी? एक सुभाष है, एक हरपाल है और एक सुखपाल है। इस संबंध में आपने पुलिस को सूचना दी? पुलिस जी, सूचना देने के लिए अपने प्रार्थना पत्र लेके गई थी मैं थाने में, लेकिन एसओ ने मुझे कॉन्स्टेबल बुला के दो चार थप्पड़ भी मरवाए और क्या कह रहे हैं, मुझे धक्का मार के बाहर निकाल दिया और मेरा प्रार्थना पत्र भी फाड़ दिया। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल M4U News को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज प्राप्त हो सके। संपर्क सूत्र 8445657566।